न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। हर तरह की सुविधा पुलिस को मुहैया कराई जा रही है। 112 नंबर की गाड़ियां भी पुलिस को सरकार उपलब्ध करा रही है, ताकि बिहार में लोगों की सुरक्षा में पुलिस हमेशा मुस्तैद रहे। लेकिन होता ठीक उल्टा ही है। बिहार की पुलिस का सुस्ती का नतीजा है कि आए दिन अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला पटना सिटी से आ रही है, जहां बीती रात चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना मालसलामी थाना क्षेत्र के चुटकिया बाजार की है, जहां पर एक बंद मकान में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के राजस्व विभाग में रिटायर प्रशाखा पदाधिकारी विनोद कुमार के यहां चोरों ने नगद सहित लाखों रुपए की ज्वेलरी की चोरी कर ली है। मकान मालिक विनोद कुमार ने बताया कि 22 तारीख को माता के दरबार वैष्णो देवी दर्शन करने हेतु सपरिवार गए हुए थे। जब वापस कल रात्रि 12 बजे लौटे तो मेन गेट का ताला खोलकर घर के अंदर घुसा तो देखा कि पूरे घर को चोरों ने खंगाल दिया है। जितने भी रूम में अलमीरा थे उन सभी का लॉकर तोड़कर करीब 7 लाख के गहने सहित 70,000 रुपए नगद की चोरी हो गई है। उन्होंने बताया कि मकान के आगे वाले गेट में घुसकर अंदर लोहे के गेट में लगा रड को चोर काटकर घुसे और फिर पूरे घर के एक एक रूम में घुसकर बड़े ही इत्मीनान से चोरी कर ली। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को रात को ही दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में लगी हुई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस चोरी की घटना में मौजूद जितने भी चोर हैं पुलिस की पकड़ में कब तक आते हैं। हम लोग गए थे घूमने के लिए पूरा परिवार के साथ, घर में ताला लॉक करके गए थे माता वैष्णो के दरबार में। 8 दिन के बाद मैं लौटा हूँ कल रात, बुधवार के रात को, तो बाहर से ठीक था। जब भी ताला खोल के अंदर गया तो 5-7 कमरे हैं, सभी कमरे का ताला टूटा हुआ था, सारा लाइट पंखा। हाँ, ऐसे क्या गायब क्या चोरी क्या हुआ है? चोरी हुआ है जेवर और कैश। कैश कितना था आपके पास? 70,000 के आसपास था। इसमें देखने वाली ये भी बात है कि एक लड़का मेरा गुजरात में रहता था और उसका रूम नहीं तोड़ा चोर ने। वो जानता था कि दोनों परिवार यहाँ रहता नहीं, इसके रूम में कुछ मिलेगा नहीं। अब बाकी दो लड़का यहाँ रहता था, वो दोनों लड़का का मेरा अपना रूम तीन सभी मतलब खंगाल दिया गया। खंगाल दिया गया, मतलब जो अनुमानित आंकड़ा हुआ गहनों का जो कितना होगा? 5-7 लाख होना चाहिए। यानी हर रूम को खंगाल दिया? हर एक रूम का खंगाल दिया। सीसीटीवी नहीं लगा हुआ आपके घर में? नहीं लगा हुआ। क्या करते थे आप? वही रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद बैठे रहते थे घर में अपना। किस विभाग में थे? बानिस्कर विभाग में, प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर रिटायर हो चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? नाम क्या हुआ आपका? विनोद कुमार। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।